Hello guys, this is Rekshuman. Welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about the delete and the update query. सबसे पहले हम डिलीट क्वेरी के बारे में बात करते हैं. तो डिलीट को हम यूज क्यों करते हैं? डिलीट को हम यूज करते हैं टू डिलीट द डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल. अगर मेरी कोई सी भी पहले से टेबल बनी हुई है, इसके अंदर डेटा अवेलेबल है, अगर मेरे को उस डेटा को डिलीट करना है तो मैं किस क्वेरी का यूज करूंगा? डिलीट क्वेरी का. तो हम डिलीट क्वेरी का जो है यूज तीन पर्पस के लिए करते हैं. टू डिलीट एंटायर रो. अगर पूरी एक रो को मेरे को गायब करना है तो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है. टू डिलीट एंटायर टेबल. अगर पूरी टेबल को डिलीट करना है तो मैं डिलीट का यूज करूंगा. या फिर टू डिलीट अ पर्टिकुलर रो. अगर कोई पर्टिकुलर रो को मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट क्वेरी का यूज करूंगा. तो ये नोट कर लीजिए कि हम जो डिलीट जो है, हम डेटा को डिलीट करने का काम करते हैं एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से. पूरा रो को डिलीट करना है तो मैं डिलीट यूज करूंगा. पूरा टेबल का डेटा यूज डिलीट करना है तो मैं डिलीट का यूज करूंगा. और मेरे को कोई पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो मैं डिलीट क्वेरी का यूज करूंगा. चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं किस तरीके से हम जो है इसका यूज करते हैं. चलिए सबसे पहले हम डिलीट का जो है सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स क्या होता है? तो हमें कभी भी डिलीट करना हो तो हम यूज करेंगे डिलीट फ्रॉम, फिर जो भी टेबल नेम होगा आपका वो, वेयर, और फिर जो है कंडीशन दे देंगे हम, और फिर टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है. तो अगर मैं एग्जांपल की देखूं तो यहाँ पर मैंने दो जो है टेबल ली है. एक का नाम है डिपार्टमेंट टेबल, एक का नाम है ईएमपी टेबल, ठीक है. तो डिपार्टमेंट के अंदर आईडी है, नेम है, लोकेशन है, और ईएमपी के अंदर ईएमपी आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और ईएमपी नेम है. तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है फॉरेन की का काम कर रहा है, ठीक है. तो जो डिपार्टमेंट में जो आईडी है वो प्राइमरी की है, और यहाँ पर वो है वो फॉरेन की है, ठीक है. इसका कंसेप्ट अपन बाद में आने वाले वीडियोस में आराम से देखेंगे. चलिए, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को ईएमपी के अंदर से ऐसे एम्प्लॉयज को डिलीट करना है जिसकी ईएमपी आईडी जो है वो 1 है, तो किस तरीके से डिलीट करेंगे हम? तो अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिलीट फ्रॉम, कौन सी टेबल में से करना है मेरे को? ईएमपी में से, बिल्कुल सही बात है. ईएमपी वेयर, कंडीशन क्या देनी है मेरे को? जो EMP ID है उसकी 1 होनी चाहिए. EMP ID is equals to 1. तो ये क्या होगा, जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से क्या होगा, वाली रो गायब हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि EMP ID जिसकी 1 थी वो अब डिलीट हो चुका है. चलिए, अब मेरे को अगर पूरी पूरी टेबल डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा? डिलीट स्टार. स्टार क्या होता है? पूरे के लिए होता है, ठीक है. डिलीट स्टार फ्रॉम EMP. तो मैं जैसे ही ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो पूरी पूरी जो ईएमपी टेबल है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक बात है. चलिए, अगर एक बात आई है, अगर मैं डिपार्टमेंट में से डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट, चलिए वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 कर देता हूं. अगर मैं आईडी इज इक्वल टू 1, तो बताइए जैसे ही मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो उस पर यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा? गैस करिए. बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है. तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइमरी की का काम कर रहा है इस वाले टेबल के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर यह जो प्राइमरी की का काम कर रहा है इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो एरर दे सकता है. क्यों दे सकता है? बिकॉज आईडी इज वर्किंग एज अ प्राइमरी की फॉर ईएमपी टेबल, ठीक है. हमारी बात तो यहाँ पर जो है एम्बिग्यूटी आती है जब हम प्राइमरी की को जब डिलीट करने की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों. तो ये नोट कर लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हैं. तो एक और बहुत ही बेहतरीन कमांड आती है हमारे बीच में, और एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से करूँगा. अगर मैं क्या करूँ, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट कर दूँ तो क्या फर्क होगा इस डिपार्टमेंट टेबल पे? तो जैसे ही मैं ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये पूरी पूरी टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. लेकिन यार, अपन ईएमपी को यहाँ पर डिलीट से भी तो हम डिलीट कर रहे थे, यहाँ पर हम ड्रॉप से कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है दो नंबर के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड द ड्रॉप कमांड। देखिए, जब भी हम डिलीट का यूज करेंगे तो जो टेबल होगी ना उसका सिर्फ डेटा ही डिलीट होगा, लेकिन ड्रॉप के अंदर जो है उसका स्कीमा यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो जाएगा ड्रॉप के अंदर। समझ रहे बात? तो अगर मैं किसी को डिलीट करता हूँ, डिलीट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा उसके बाद में वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट करूंगा फिर इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा ना, वो इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉप के थ्रू उसका स्ट्रक्चर जो है उसका स्कीमा ही डिलीट कर दिया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, दैट इफ यू डिलीट अ टेबल वी कैन इंसर्ट आफ्टर डिलीटिंग द टेबल, बट इफ यू ड्रॉप अ टेबल वी कैन नॉट इंसर्ट द टेबल बिकॉज बाय ड्रॉपिंग द टेबल वी डिलीट द स्कीमा और द स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ड्रॉप एंड डिलीट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, तो ये बात हुई डिलीट और ड्रॉप की, अब हम बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट किसके काम आता है हमारे, देख लेते हैं एक बार। अपडेट जो है टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल, एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल। तो जो मेरी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है उसके अंदर मेरे को डेटा को अपडेट करना है, तो मैं किस कमांड का यूज करूंगा? अपडेट कमांड का। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल नेम, फिर हम यूज करेंगे सेट का, सेट, फिर जो एट्रीब्यूट मुझे सेट करना है जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू जो वैल्यू सेट करनी है वो, वेयर, और फिर मैं एक कंडीशन दे दूंगा। ठीक है, तो जब मेरे को अपडेट करना रहेगा तो मैं करूंगा अपडेट टेबल नेम सेट, जिस एट्रीब्यूट का मुझे नाम सेट करना है वो, फिर उसकी जो वैल्यू सेट करनी है वो, और फिर एक कंडीशन में वेयर क्लॉज के अंदर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट अपडेट का जो सिंटैक्स है वो हमें क्लियर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँ तो आप एक मुझे क्वेरी बताइए कि राइट अ क्वेरी टू रिनेम द आईडी नंबर फ्रॉम 3 to 4 इन डिपार्टमेंट टेबल वेयर द नेम इज ईसीई। ठीक है, तो जो इसी ही जहाँ पर नेम है मेरे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर उसका मेरे का आईडी नंबर चेंज करना है 3 to 4। तो कैसे करेंगे एक बार ट्राई कीजिए। चलिए, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन अपडेट, टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट DEPT, सेट किसका वैल्यू चेंज करना है मेरे को, आईडी का, सेट आईडी इज इक्वल्स टू 3, सेट आईडी 4 को सेट करना, राइट, सेट आईडी इज इक्वल्स टू 4 कहाँ पे सेट करना है, वेयर नेम इज इक्वल्स टू PCE। तो ये क्या होगा, जहां पर 3 है यहाँ 4 हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने ये क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है, सिंपल एज दैट। तो एग्जाम्पल हुआ अपडेट का, नोट कर लीजिए इसको भी। तो ये बात हुई हमारे डिलीट, ड्रॉप और अपडेट के बारे में। तो ऐसी ही कुछ क्वेरीज की हम बात करेंगे आने वाले सीरीज के अंदर। तो अभी तक के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।